मॉर्निंग एवरीवन, सटेरिंग डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया था सीट मेटर चैप्टर, पिछले क्लास में हम लोगों ने जानना था कि सीट मेटल में कौन कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, तो उसी में आज फिर कंटिन्यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारा टूल्स जो कि पूरा नहीं हो पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीट मेटल्स में जो और टूल्स है उसमें हमारा हैमर है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था वहाँ मैलेट हैमर के बारे में, तो ये हैमर है। ठीक है, तो हैमर में तीन प्रकार का हैमर जो हम लोग प्रयोग करते हैं सीट मेटल में, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर और स्ट्रेट पेन हैमर। अब ये तीनों हैमर का अलग अलग इस्तेमाल है, अलग अलग जगह हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं सीट मेटल में। तो ऐसे बॉल पेन हैमर जो है इसको धातु को फैलाने के लिए हम लोग बॉल पेन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है क्रॉस पेन हैमर, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एक ही दिशा में सीट को फैलाने के लिए। ठीक है, जैसे बॉल पेन हैमर को हम लोग कर रहे हैं वो चारों दिशा में किसी भी दिशा में फैलाने के लिए हम लोग बॉल पेन हैमर कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस पेन हैमर जो है इसको हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं कि एक ही तरफ अगर सीट को फैलाना हो तो हम लोग क्रॉस पेन हैमर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है स्ट्रेट पेन। तो स्ट्रेट पेन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हम लोग को खांचा बनाने होगा या फिर 90 डिग्री में हम लोग को उसको चोट लगाना होगा, तो हम लोग स्ट्रेट पेन हैमर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा पंच। ठीक है, तो सीट मेटल में भी हम लोग पंच का इस्तेमाल करते हैं। दो तीन प्रकार का पंच हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिक पंच, सेंटर पंच। प्रिक पंच और सेंटर पंच हम लोग मार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद है सॉलिड पंच। सॉलिड पंच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सुराखों के लिए पंच करने के लिए, अगर हम लोग को छेद करना होगा तो हम लोग सॉलिड पंच का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है होलो पंच। तो सीट मेटल से अगर हम लोग को वाशर और गैस्केट सील ये सब अगर हम लोग को बनाना होगा तो हम लोग होलो पंच का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है हमारा ब्लो लैम्प। ब्लो लैम्प को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि अगर सीट मेटल के जॉइंट में अगर हम लोग को सोल्डरिंग करना होगा तो हम लोग सोल्डरिंग आयरन को ब्लो लैम्प के द्वारा हम लोग उसको हीट करेंगे, इसके बाद हम लोग सोल्डरिंग कर सकते हैं। इसके बाद है ग्रूवर। तो ग्रूवर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीम को लॉक करने के लिए। तो जैसे हम लोग सीम को जहाँ लॉक करते हैं या सीट मेटल को जहाँ पर हम लोग जॉइंट करते हैं उस जॉइंट को सीम करते हैं हम लोग सीट मेटल में, तो उस जॉइंट को जैसे कि डाब करके उसको सील पैक करना है तो हम लोग ग्रूवर का इस्तेमाल करेंगे। ग्रूवर एक हैंड टूल्स है, उसको उस जॉइंट में ऊपर से रख करके हैमर के द्वारा हम लोग चोट लगा करके उसको सील करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टूल्स होता है वो स्टेक। स्टेक की सहायता से ही हम जो सीट मेटल वर्क होता है अलग अलग जो स्टेक होता है उसमें हम लोग कार्य करते हैं। जैसे जो पहला स्टेक है हैचेट स्टेक। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सीट मेटल को शार्प बेंड बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बक्से का कोना बनाने के टाइम हम लोग हैचेट स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हाफ मून स्टेक। ठीक है, तो हाफ मून स्टेक को हम इस्तेमाल करते हैं जो गोलाई में अगर कोई सामान हम बना रहे हैं तो उसको हाफ मून स्टेक में रख करके उसमें ठोक पीट करके हम लोग बनाते हैं।
इसके बाद है बिग आयरन स्टेक। बिग आयरन में वो चोंच के जैसा नुकीला होता है, तिरछा नुकीला होता है, कुछ इस तरह का। तो इसमें हम लोग टेपर्ड जॉ, जो टेपर में बनेगा, उसको इसमें रख करके काम करते हैं। और इसके साथ हम लोग बिग आयरन में करते हैं सीमिंग, और हल्की चोट लगाने के लिए भी बिग आयरन स्टिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आया है हमारा क्रीसिंग आयरन स्टिक। इसमें हम लोग सीट को स्ट्रेट एज पर बीड या पतली सीटों को छोटे व्यास में, अगर हम लोग को छोटे व्यास में कोई चीज बनाना होगा तो हम लोग क्रीसिंग आयरन स्टिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है फनल स्टिक। फनल स्टिक, तो फनल स्टिक में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टेपर वस्तुओं को या फिर शेपिंग या सीमिंग करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फनल स्टिक ऑलरेडी टेपर्ड में बना हुआ रहता है। तो इसमें हम लोग को टेपर जो वस्तु होता है, जो सामान होता है, उसको इसमें ठोक पीट करने में आसानी होता है। और एक स्टेक जो है हम लोग एनविल में लगा करके काम करते हैं, ठीक है। तो इसका जो निचला पोर्शन होगा वो कुछ इस प्रकार का रहता है, और ऊपर में जैसे ये फनल स्टिक है, ठीक है। तो इस फनल स्टिक को हम लोग एनविल का जो स्क्वायर होल रहता है उसमें, एक साइड में आप लोग ने देखा होगा, तो उसमें हम लोग इसको फिट करके इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें और है जो कि है लियोर सेल। लियोर सेल के हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीट मेटल को काटने के लिए। जैसे सीट मेटल अगर कुछ मोटा है तो उसको हम स्ट्रेट स्निप या बेंड स्निप से नहीं काट सकते हैं, तो उसको काटने के लिए हम लोग लीवर सेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है सर्कल कटिंग मशीन। सर्कल कटिंग मशीन, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सीट मेटल को अगर कुछ बड़ा, अगर हम लोग को सर्कल से सीट मेटल को काटना होगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने जाना था कि बेंड स्निप से भी हम लोग काट सकते हैं, लेकिन अगर बड़े साइज का व्यास में अगर हम लोग को काटना होगा तो हम लोग सर्कल कटिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है फॉर्मिंग मशीन। फॉर्मिंग मशीन, इसका प्रयोग हम लोग सीट को कर्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, या इसको कोई किसी भी व्यास में, बड़ा छोटा व्यास में सिलेंडर बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद है वेंडिंग मशीन, बेंडिंग मशीन, इससे हम लोग धातु के सीटों को फोल्डिंग बेंडिंग करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारा टूल्स जो है हम लोग शीट मेटल में यूज करते हैं किसी भी रूपरेखा बनाने में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।